वेलकम टू स्काई फिजिक्स। हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, नाउ अभी हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज द ग्रेडिंग एलिमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर वाइड प्लेन ग्रेडिंग विच रिवॉल्व्स 2 लाइंस द सेकेंड ऑर्डर डिफरिंग द इन वेवलेंथ बाई 6 एंगस्ट्रॉम मीन वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम विल बी। सो यहाँ से आप आर जो रिजॉल्विंग पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। सो दैट मीन्स उसको इक्वल रखेंगे आप एम एन के। जब आप यहाँ से एम की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 2, ओके, और ये ध्यान रखिएगा 2 लाइंस हैं, तो जो भी आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी करना है। सो यहाँ पर हमने एम की वैल्यू 2 दी गई है, डी इज इक्वल टू आपको 2 दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। सो रिजॉल्विंग पावर आर पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मीटर में। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 एंगस्ट्रॉम आपको दिया गया है, दैट मीन्स इसको अगर हम लिखना चाहें सो किस तरह से लिख सकते हैं, 6 एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, 6 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 6000 × 10⁻⁸ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास ये रखा गया है m की वैल्यू 2 है और n है। जब यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे तो n की वैल्यू आपकी मिलकर आ जाएगी 500। d इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास l अपॉन n होता है। सो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें वैल्यू सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी किसके इक्वल, d की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, n की वैल्यू आप निकाल सकेंगे तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 10⁻³। और जैसे ही आप सेकंड लाइन के लिए दिया गया 2 से डिवाइड करेंगे आंसर किसका क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻³। सो इसके लिए जो आंसर आपका आ जाएगा उससे ही आ जाएगा 2 × 10⁻³ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 निकोल प्रिज्म आर फर्स्ट क्रॉस्ड देन वन ऑफ देम रोटेट्स 60 डिग्री द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट ट्रांसमिशन विल बी। सो इसके लिए जो हमारे पास होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो इतना आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। आई फर्स्टली क्या कर रहा है, प्रिज्म से पास हो रहा है, सो फर्स्ट के लिए आई वन इज इक्वल टू इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स आई वन इज इक्वल टू हाफ आई हो जाएगा। नेक्स्ट आई टू के केस के लिए हम क्या लेते हैं, आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 लेंगे, दैट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस 60 ले लेंगे। सो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी 1/2, ओके, हमारे पास जो वैल्यू आएगी कॉस 60 आ जाएगी। कॉस 60 के केस में हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू √3/8 होता है, 3/8 हो जाएगा, दैट मीन्स I/8 ये वैल्यू निकलेगी। अगेन सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 = ½ of I हो जाएगा, I2 = ½ of cos² 60 हो जाएगा। ये I2 की जो वैल्यू आप निकालेंगे सो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8। सो यहाँ से परसेंटेज निकालना चाहें I2 के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8 × 100 आ जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा 12/5%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 लाइंस ऑफ नियॉन एंड 2 लाइंस ऑफ नियॉन दिस, ओके, द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ प्लेन एम ट्रांसमिशन ग्रेडिंग हैविंग 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर इल्यूमिनेटेड नॉर्मली विल बी। आपको इल्यूमिनेटेड क्या पूछा गया, नॉर्मल केस में पूछा गया है कि कितने रेडियन पर करेगी। सो यहाँ पर θ1 आपको दिया गया है 5, θ1 निकालना चाह रहे हैं क्योंकि एंगुलर सेपरेशन θ = λ/d होता है, β/D होता है, दैट मीन्स d sin θ = nλ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आई हैं। यहाँ से d इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/6000 आपको दिया गया है सेंटीमीटर में, ओके। नाउ θ1 अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये कितना आपको दिया गया, 5.882 × 10⁻⁵, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हमने केवल एंगस्ट्रॉम को चेंज किया है, × 6 × 10⁻³, ओके, कुछ नहीं किया है, हमने केवल वैल्यू रखी है λ/d की, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली θ2 की भी वैल्यू रख देंगे, θ2 की वैल्यू भी रखेंगे तो मतलब इसमें क्या रखेंगे हम, दैट मीन्स θ2 की वैल्यू के लिए हम क्या ले लेंगे, 0.5852 × 6 × 10⁻², ओके। सो θ1 भी हमारा आ जाएगा इजीली और θ2 की वैल्यू भी आ जाएगी
ईजिली. ओके सो थीटा वन थीटा टू निकालने के बाद क्या निकालना है, सिंपल से इनका डिफरेंस निकाल देना है. दैट मीन्स थीटा वन माइनस थीटा टू निकाल देना है. आंसर इसका जो आ जाएगा 1.8 × 10⁻³ आ जाएगा. बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल आपसे पूछा गया है, द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट फार पॉइंट वेरीज डिस्टेंस आर. सो डायपोल के केसेस के लिए दो डायपोल आप निकाल सकते हैं, इक्वाटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर. और सभी के लिए, उन दोनों ही पॉइंट्स के लिए जो ये वैल्यू आती है 1/r³ के प्रोपोर्शनल होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज पर एम्पियर लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू दी. ये हमारे पास एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास किसके लिए होती है, करंट इनक्लोज्ड करती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सेल्स ऑफ EMF E ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल रेजिस्टेंस. मतलब यहाँ पर एक सर्किट है जो कि पैरेलल में कनेक्ट कर दी गई है. सेल यहाँ पर है, सो हम इसको सेल बनाते हैं. ठीक है, सेल यहाँ पर आपको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है. आपसे पूछा गया मैक्सिमम एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी. सो यहाँ पर आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2 हो जाएगी. और हमें उस वैसे इसका काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसके लिए. सो यहाँ पर हमारे पास अगर हम R की वैल्यू निकालें तो पैरेलल के केस के लिए क्या हो जाएगा, दोनों ही अगर पैरेलल के केस के लिए अगर हम निकाल रहे हैं. सो यहाँ से P इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर हम निकालना चाह रहे हैं, तो P इज इक्वल टू I² हमारा R होता है. E² अपॉन हम क्या लिख देंगे इसको, R+R. ठीक है, R+R² × R हो जाएगा हमारे पास. दैट मीन्स P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E² upon 4R × R हो जाएगा. R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम. अ जोन प्लेट इज मेड बाई अरेंजिंग दैट रेडियाई ऑफ द सर्किल विच डिफाइंस द जोन्स आर सेम रेडियाई ऑफ द न्यूटन्स रिंग परफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सर्फेस हूज रेड. बहुत ईजी क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हम न्यूटन्स की जो आपकी जोन प्लेट होती है, अब कुछ इस तरह से होती है सर्किल में. ठीक है, यहाँ पर इसकी ये रेडियस होती है. यहाँ पर इसकी कुछ रेडियस होती है जिसको हम आर एज्यूम कर रहे हैं. कुछ ये इस तरह से आपका फोकस होता है, यहाँ पर इसकी लेंथ होती है. तो हमसे पूछा क्या गया है, आपसे फोकल लेंथ पूछा गया जीरो प्लेट के लिए. जीरो प्लेट के केस के लिए आर की वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है. आपको पता होना चाहिए जीरो प्लेट के केस के लिए आर की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है. सो यहाँ पर जो एल हो जाएगा, एल ज़ीरो डायरेक्टली एफ के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स एफ की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो एल ज़ीरो के. सो एल ज़ीरो आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में. 2 meter इसको हमको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, बिकॉज सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए गए हैं. तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 200 cm. बहुत ईजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम. अ लाइट वेव आफ्टर फॉलिंग द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस रिफ्लेक्टेड पार्शियली द रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द इंसिडेंट रे विल बी एन इज इक्वल टू 10 IP लगा दी. ब्रूस्टर लॉ का क्वेश्चन है. सो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया. I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इन हाइजेंस एक आई पीस के लिए हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास 2f होता है. अब अगर जिसे नहीं आएगा वो बता दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी ऐसा क्यों है. If the young experiment setup is displaced from the air and immersed in water, the fringe width will be decreased. अगर हम इसे एयर से उठा करके किसी वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज कर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है. ऑयल फ्लोटिंग ऑन द वाटर सर्फेस सीम टू बी कलर्ड. ओके सो ये कलर्ड हमारा दिख रहा है, दैट मीन्स विजिबल रीजन में कहीं ना कहीं ये लाई करेगा. तो आंसर इसका आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 10,000 angstrom इसका आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रिंज विड्थ इतनी आपको ऑब्जर्व हो रही है, डिस्टेंस इतनी दी गई है, वेवलेंथ इतनी दी गई है, डायमीटर ऑफ द वायर आपको पता करना है. सो फ्रिंज विड्थ के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको, बीटा इज इक्वल टू λd/d होता है. डी की वैल्यू आपको पता करनी है इसमें, बाकी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं. लैम्डा दिया गया है, डी दिया गया और बीटा भी दिया गया है. सो सारी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा 2×10⁻⁴ आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम. टू इक्वली चार्ज्ड स्मॉल बॉल placed fixed distance experiences of a force a similar uncharged ball after touching one of them is similar at the middle point between the two balls the force experience. दो बॉल्स आपको दी गई हैं, यहाँ पर आपका चार्ज क्यों था, यहाँ पर चार्ज क्यों था. नेक्स्ट चार्ज आपका लेकर आया गया है और इसको क्या किया गया है, किसी ऐसे पॉइंट से टच कराया गया है. ठीक है, किसी भी चार्ज से, तो इस पर
चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक कि चार्ज आधा ना हो जाए, ठीक है। देन आफ्टर इसकी डिस्टेंस क्या है, कंप्लीट डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस क्या मानेंगे आप, नेक्स्ट डिस्टेंस आर बाई टू, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर बाई टू, और यहाँ से भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर बाई टू। सो आप कूलम्स लॉ लगा देंगे यहाँ पर, और एफ वन की वैल्यू जो कि के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये क्यू वन आपका फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड इस केस के लिए निकाल लीजिएगा, ऐसे ही सिमिलरली क्यू वन क्यू टू नेक्स्ट केस के लिए आप फोर्स निकालेंगे, तो एफ वन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर रखिएगा, नेक्स्ट एफ टू आप क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर रखिएगा, और उसके बाद क्या रखना है आपको, एफ वन माइनस एफ टू या एफ टू माइनस एफ वन, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी उसके बाद फोर्स निकाल देंगे।